छियालीस में, जब जब इन्होंने जो है भारत को आजादी वाला जिस उसमें जो ना निर्णय लिया उस समय, और उनका तो इरादा था कि वो आपको 1948 में जो है ना आजाद करेंगे या पावर ट्रांसफर करेंगे, वो तो एक साल पहले पावर ट्रांसफर करके, 10 महीने पहले पावर ट्रांसफर करके भाग लिए। हालत इतनी खराब थी हाँ, वो तो उस, उनकी मजबूरी थी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों के आदेश मानना बंद हो सकते हैं तो इनकी मशीनरी जो है ना इनके आदेश मानना बंद कर देगी। एक बार उसे महसूस तो हो कि जो है ना इन इन दिग्गजों की जमानतें जब्त होने वाली हैं, ये संभव है और ये संभव होने वाला है। तो गोपी चंद जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कमर कस लीजिए, ये बदलाव का जो है वर्ष 2023 होगा और फाइनल बदलाव जो आने वाला है वो 2024 में आएगा, जिसमें जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। भाजपा पराजित नहीं होगी, कांग्रेस पराजित नहीं होगी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बचेगी। और इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी, इतना पावरफुल होगा, और इनको अपना मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आवामंडन कर रहे हैं वो तो फर्जी है। वो तो ये जो है ना होर्डिंग लगा के और ये करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कब्जे में करके, प्रिंट मीडिया को अपने कब्जे में करके, सोशल सोशल मीडिया के हेडलेस को अपने कब्जे में करके, फर्जी जो है सर्वे करा के और कत्ल की रात जैसे जो है ना कार्रवाई करके, जिसमें ये साड़ी बांटते हैं, दारू बांटते हैं और पैसे बांटते हैं, तो ये क्या डेमोक्रेटिक लोग हैं? ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं। इनके पाप का बड़ा घड़ा भर चुका है, अब इनकी पराजय होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो खाता 2023 में ही खुलने वाला है इन तीन राज्यों से, और 2024 में तो इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। एक नई व्यवस्था जो है ना 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर पैदा होगी। गोपीचंद जी, एकदम कमर कस लीजिए, अब गुरुजी की जो है ना भविष्यवाणियों को जमीन पर उतारने का समय आ गया है। सभी लोगों को अपने झंडे के नीचे लाइए और 2 मिनट में ये काम होगा, और इतने प्यारे तरीके से होगा और इतने जनतांत्रिक तरीके से होगा, जब जो है आम जनता अपने छत पे खड़े होके थाली बजाकर दीपक जला के कहेगी कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, हम इसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे, इससे विजिबल डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है क्या? हम ये बैठेंगे जब आपसे सारे विषयों पर चर्चा जरूर होगी। जरूर जरूर, मैं चाहूंगा कि हम जल्दी बैठेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब समय, स्पेशली इन तीन राज्यों के लिए समय बहुत कम है। नहीं, जल्दी बैठने की कोशिश जल्दी करेंगे। बैठें तो, क्योंकि अपन को फिर जो है संगोष्ठियां भी करना होंगी, रैली भी निकालना होंगी, और जो हमारा जो मॉडल है उसमें रैली वैली तो जस्ट उत्साह बढ़ाने के लिए है, असली मॉडल है कि आप जो है मोहल्ले मोहल्लों में घर में बैठ के संगोष्ठियां करेंगे, प्यार से चाय पियेंगे, वहीं पर शपथ लेंगे, वहीं पर संकल्प लेंगे और ये देश बदल जाएगा। आपको मेरी आवाज में कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? जी नहीं, मुझे पूरा महसूस हो रहा है, पर कुछ महत्वपूर्ण लाइन है जिन पर अपन बैठ करके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं आभारी हूं कि अशोक शर्मा जी ने आपका नंबर मुझ तक पहुंचाया, जिससे मैं आपसे संवाद कर सका, और हम लोग साथ में बैठ के बहुत जल्दी जो है चीजों को आगे बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाएंगे, और ये हमें 2023 में ही कर दिखाना है। ठीक बैठेंगे और जिसकी आवश्यकता है वो करेंगे। है ठीक है। तो गोपीचंद जी, आपको बहुत बहुत जो है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा, और शर्मा जी का फोन आ रहा है तो मैं अब उसको उठा लेता हूं। हाँ, उठा लीजिए, मेरे पास भी आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है।